होता था कि नर्सिंग प्रोफेशन में वो लोग आते थे जिनको उतनी एजुकेशन नहीं होती थी, देवर फ्रॉम फॉर फ्लंग एरियाज, वो आते थे, वो पेशेंट का केयर करते थे, उनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं होती थी, जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, वो आते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उतना वो जानते थे। इसीलिए एक टैबो सा बन गया था कि नर्सेस को वैसा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। बट आजकल ऐसा है कि नर्सेस जो है दे आर, वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन बन गया है, ठीक है। इनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और उनके हिसाब से इनको चलना पड़ता है। आजकल बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, देयर आर मेनी नर्सेज जिन्होंने डॉक्टरेट इन नर्सिंग भी है। सो चेंज हो रहा है नो डाउट, बट बहुत जो पहले लोग हैं मे बी उनके दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट बैठा है कि वो लोग नर्सिंग में आते हैं जिनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्सिंग में आजकल वो लोग आते हैं जो वेल एजुकेटेड होता है, दे आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनका बर्थडे इस दिन आता था। वो एक पॉइनर फाउंडर थी नर्सिंग प्रोफेशन की, जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की बुनियाद डाली। इन द क्रीमियन वॉर उन्होंने सोल्जर्स को जो वॉन्डेड सोल्जर्स थे उनको हील अप किया, तो वहाँ से एक नर्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड वो एक लेडी पहली थी जिन्होंने फिर नर्सिंग स्कूल बनाया, पहला नर्सिंग स्कूल। यस, वहाँ पे यहाँ पे ज़रूरत है, डॉक्टर्स के बगैर होना चाहिए कोई बंदा, क्योंकि डॉक्टर्स इतने तो है नहीं जो हर टाइम पेशेंट के साथ होंगे, जो पेशेंट्स का ख्याल रखे, उसके बाद कोई बंदा होना चाहिए व्हेन डॉक्टर्स आर नॉट एबल जो ख्याल रखे, तो उनको ये नर्सिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, उनका बर्थडे 12 मई को होता है, इसीलिए ये मनाया जाता है।